पड़ी नहीं नहीं आप राग नहीं पकड़ पा रहे भक्त पुकारे अरे गधे राग नहीं पकड़ पाते हैं अरे पर्सनल नहीं पर्सनल नहीं पर्सनल नहीं अजय जी अजय जी अजय जी अजय जी वाला सीनियर पर्सन सिया राम वो आप जानते हैं उनको श्री राम सेंटर में आवाज के लिए कह रहा हूं भाई मेरा दोस्त है इनके लिए एक परमानेंट ओपनिंग है श्री राम सेंटर का अनुराग बदोरिया बैक ऑन टॉपिक ये इतने को सभी को इतने बेसुरे हैं आज दशहरे का दिन है हमें किसी से कोई दूरी नहीं ये देखिए अब इनको चिंता है कौन बेसुर प्रभु का नाम में स्वर बेसुरे की चिंता मत कीजिए प्रभु का नाम में आप इतना दिमाग मत लगाइए सबको दशहरे की बहुत सारी शुभकामनाएं हमारी तरफ से सबको जय सिया राम अब आपको इससे दिक्कत है तो है हम क्या कर सकते हैं बीजेपी वाले खाली बात तो करेंगे प्रभु के दो लाइन अगर प्रभु की चौपाई गाओ तो उनको स्वर दिखाई देने लगता है बेसुर दिखाई देने लगता है अरे प्रभु का नाम लीजिए आज दशहरे का दिन है अच्छी अच्छी बातें कीजिए आज भी द्वेष की भावना है अरे हमको रावण मारना है अपने लोगों को नहीं मारना है अपने लोगों से द्वेष नहीं फैलाना है अपने लोगों से दुश्मनी नहीं लेनी है तो अपना खून है आपको रावण मारने चलोगे अपने लोगों का बुराई करने चले हो ये दिक्कत है भारतीय जनता पार्टी में भारतीय जनता पार्टी को अपनों से ही दिक्कत है हम सब अपने हैं और हमें सबका सम्मान करना चाहिए खासकर आज के दिन तो हमें सबका आदर करना चाहिए दूसरी बात जहाँ तक आप जातियों की बात करते हैं मेरा तो बस इतना मानना है प्रभु का भी था सनातन भी यही कहता है कि सभी समान है सबका सम्मान करना चाहिए लेकिन इस देश के अंदर में जिस तरह से पिछड़े और दलित समाज को जिस तरह से जो अभी समाज में पीछे हैं उनको क्या आगे लाने की जिम्मेदारी हमारी नहीं है क्या उनको मुख्य धारा में लाने की जिम्मेदारी नहीं है क्या आप चाहते हो अभी भी घोड़ी पे ना बैठ पाए उनकी मूंछ नोच ली जाए ऐसा चाहते हैं क्या चाहते हैं कि जो समाज पीछे है वो पीछे रह जाए वो आगे ना आ पाए अरे मुख्य धारा में हम सामाजिक न्याय की लड़ाई लड़ रहे हैं आप आ, आ, आप सत्ता की लड़ाई लड़ रहे हो आपको सत्ता चाहिए किसी की मत आप हमें बांटने की बात कर रहे हो आप चाहते हो लोग बढ़ जाएं अरे हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई अगड़ा पिछड़ा सब संविधान ने सबको समान अधिकार दिया है आप कौन होते हो हमें बांटने वाले एक एक करके प्लीज रिक्वेस्ट सर डिवाइडर रूल करने वाले अरे अंग्रेजों ने नहीं किया था जिस तरह का काम आप कर रहे हो अंग्रेजों ने भी नहीं किया कि अंग्रेजों में नहीं क्या है कि जयप्रकाश नारायण जी की पुण्यतिथि पे माल्यार्पण करने जाएंगे तो आप घर के सामने बैरिकेडिंग लगा दोगे ऐसा तो हमने कभी नहीं देखा ऐसा तो अंग्रेजों के राज में भी नहीं हुआ कि हम महापुरुष में माल्यार्पण करने जाएंगे तो आप कहोगे नहीं जा सकते की आत्मा कराती है आप लोगों को देख के क्यों नहीं जा सकते संपूर्ण क्रांति की आत्मा कराती है आप लोगों को देख के चलने वाले आप उनके आदर्शों पे नहीं चलते उनको समाजवादी कब से परिवारवादी बन गए जेपी को भी पता नहीं चला उनके जो आजादी के शिष्य नहीं बनाते करते हम उनके आजादी के आंदोलन को भी याद करते मुलायम लालू को कभी जेपी शिष्य नहीं बनाते अगर पता होता कि समाजवाद का अंतिम प्रहर वही हो उसको भी याद करते हैं आज सत्ता भारतीय जनता पार्टी की है तो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ हम हुंकार भर रहे क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ना किसानों की बात करती है ना युवाओं की बात करती है ना महिला समस्या पे कब बात करती है ना हुंकार की जनता आपके खिलाफ भर चुकी है उनका जयप्रकाश जी का हम उसको मना रहे हैं आप नहीं उस पे चलना चाहते तो हम क्या करें और ऊपर से आप बहाना क्या मारते हो ऐश्वर्या जी डीजल इंजन रेस हो गया कहता है अरे वहां कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है वहां जीव जंतु अंग्रेज जी आ रहे हैं अजय जी रिलैक्स जीव जंतु वहां दिखाई दे रहे हैं लेकिन पूरे लखनऊ में डेंगू फैला हुआ लोग बीमार है हॉस्पिटल में भर्ती है डेंगू से और डेंगू के मच्छर का छिड़काव नहीं कर पा रहे हो आप लेकिन वहां पे कंस्ट्रक्शन चला हमारी तो आपको चिंता है कि वहां जीव जंतु है सांप बिच्छू होंगे काट लेंगे लेकिन जो मच्छर काट रहा है जिससे लोग बेचारे परेशान हॉस्पिटल में भर्ती हैं लोगों की मौतें भी हो रही होंगी उनके बारे में क्यों नहीं सोचते भाई उनके बारे में आपको चिंता नहीं है आम जनता की चिंता आपको नहीं है सत्ता की चिंता है क्योंकि हम अगर माल्यार्पण करने जाएंगे तो आपकी पोल खुल जाएगी आप वहां क्या करना चाहते हो क्या छुपाना चाहते हो आपकी पोल खुलेगी इसे आप जीव जंतु बता देते हो कमाल है भैया प्रभु अरे आप कम से कम मच्छर ही मरवा लो उत्तर प्रदेश में जिससे डेंगू से लोगों की जान बच जाए डेंगू से लोगों का बुखार तो कम से कम हॉस्पिटल के पैसे पड़ेगा पूरा का पूरा परिवार परेशान वो चिंता आपको नहीं है सवाल ये नहीं है भारतीय जनता पार्टी समाज के अंदर में सिर्फ डिवाइड हर को बांटना चाहती है जब इन्हें जात की बात करना होती है तब जब चुनाव आता है तो कहते नहीं 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 हम पिछड़े जाति से आने तब ये जात याद आ जाती है लेकिन हम कहते नहीं नहीं सब जातियों को हमें जनसंख्या की हमें पता चलना चाहिए किसकी कितनी जनसंख्या है यहाँ पे कास्ट सेंसस होना चाहिए तब आपसे कहेंगे तो अभी मना आप ही नहीं करोगे मैं आपसे पूछूंगा कास्ट सेंसस होना नहीं चाहिए तब आप भागने लगोगे अरे हमें पता चलेगा ना जाति जनगणना से कितने लोग किसके कितने हैं कितने लोग पीछे हैं कितने लोगों को और आगे लाना है कैसे लाना है उनको आर्थिक समानता कैसे करनी है शैक्षिक समानता कैसे करनी है उनको पैरों पे कैसे खड़ा करना है जब तक आर्थिक 25 करोड़ लोगों को गरीबी रेखा से निकाल के ले आए हम शामिल नहीं करेंगे अभी और लाना है उन्नति करेगा हम देश की उन्नति की बात कर रहे हैं राष्ट्र की उन्नति की बात कर रहे हैं राष्ट्र ने तो करके दिखा दिया जब संपूर्ण समाज की उन्नति होगी इसलिए संपूर्ण क्रांति का नारा दिया था जयप्रकाश नारायण जी ने जिनको हम अनुराग बेसुरे गा रहे हो अरे प्रभु के लिए भी बेसुरे की जरूरत है क्या
प्रभु के लिए भी बेसुरे बेसुरे तो गा ही रहे हो भाई। अरे प्रभु का नाम लेना है, प्रभु को याद करना है, दशहरे का दिन है, याद कर रहे हैं तो भी आपको परेशानी है। प्रभु का नाम को भी सुरो बेसुरा खोजते हैं, सोचिए आप आपका कुछ नहीं हो सकता, कुछ नहीं हो सकता है। हिंदुस्तान आपको दोबारा कुर्सी से उछलना कूदना शुरू कीजिए। 240 साई हैं आगे वाले, 240 साई है, कूदिए उछलिए। अरे मेरा कैमरा पर्सन है भैया अभी, अरे मेरे आप मेरे कैमरा पर्सन से क्या एक्सरसाइज करवा रहे? अरे मेरा कैमरा आप क्या अजय जी नए नए आइडिया मत दीजिए प्लीज, नया नया आइडिया मत दीजिए, नया नया आइडिया। मैं मानता हूँ, मैं मानता हूँ भाई दशहरा है, आप सब खुश हैं, ऐसे उछलो कूदो, नहीं नहीं रिलैक्स, लेकिन इट्स अ वेरी सीरियस डिबेट। एक भी राजनीतिक दल दर्शकों, कांग्रेस जी आ रहा हूं आपके पास, कूदेंगे खुशी, ना कांग्रेस ना सपा ना बीजेपी दर्शक, ओनली मी विद द ग्राफिक, मी विद द जाति ग्राफिक, आई सेड ग्राफिक शर्मा। दर्शकों जो बात मैंने शुरुआत में कही थी, अनुराग जी अब आपका ऑडियो नहीं जा रहा है, दर्शकों इट्स अ सीरियस इशू, ये बहुत सीरियस विषय है। जाति को सब बोलते हैं कि जाति प्रथा से दिक्कत होती है, अजय जी ने बोला, अनुराग भदौरिया ने बोला, अजय आलोक जी ने बोला, सब मानते हैं कि जातियों में बंटने से किसी का फायदा नहीं, एक हो जाओ। जातियों की वजह से अजय जी ने कहा, अनुराग जी ने कहा।